नियॉक्स मनी का फ्री डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे और नियॉक्स मनी की फुल केवाईसी के लिए एजेंट को अपने पास कैसे बुलाएंगे, किस प्रकार से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कार्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको अपने मनपसंद का कार्ड अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि नियॉक्स मनी में आपको दो प्रकार के कार्ड देखने को मिलते हैं, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का। आप जो आपको पसंद है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर कर पाएंगे आप बिल्कुल फ्री में वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए आप डार्क या फिर लाइट जो आपको पसंद है उस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। मैं डार्क को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप जो भी नाम लिखा हुआ आपने सेलेक्ट किया था वो नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा योर नेम के आइकन पर। डार्क को सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जो भी आप नाम चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए आप नाम को। मैं फर्स्ट वाला करूँगा फुल नेम, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी फुल केवाईसी के लिए, और आपकी केवाईसी होने के कुछ ही डेज़ के अंदर आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा, वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। यहाँ से आपको डेट सेट करनी है, जैसे देख सकते हैं 9 तारीख को नहीं है या फिर 10 तारीख को कर सकते हैं आप। टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने बजे से कितने बजे के बीच अवेलेबल रहते हैं अपने कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर। जो आपका एड्रेस आपने सेलेक्ट किया था वो एड्रेस से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपकी फुल केवाईसी की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। आपने जो अपॉइंटमेंट बुक की है उसी डेट और टाइम पर एजेंट आएगा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर और आपकी फुल केवाईसी कर देगा यूआईडीए के जरिए, ऑथेंटिकेशन के जरिए। तो बहुत ही सिंपल सा कुछ स्टेप्स है जिन्हें आपको फॉलो करना है, और इस प्रकार से आप अपनी बिल्कुल फ्री में फुल केवाईसी करवा सकते हैं। और केवाईसी होने के विद इन डेज आपको आपका बिल्कुल फ्री में वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जो भी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट की है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से डेट और टाइम को सेलेक्ट कर पाएंगे, जिस भी डेट और टाइम के बीच में आप अवेलेबल रहने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फुल केवाईसी एजेंट विजिट शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद एजेंट विजिट करेगा उस दिन आपको यहाँ पर नीचे टिक मार्क शो करेगा। उसके बाद कार्ड ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये सब होने वाला है। जो भी जैसे जैसे यह डेट जाएगी, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, वैसे वैसे जो भी प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पेंडिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके सब कुछ जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अकाउंट को एक्टिव करेंगे, सिंपली अकाउंट एक्टिव नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और आपका फिजिकली कार्ड एक्टिव हो गया है। सिंपली अब आपको यहाँ से साइन करना है, सिग्नेचर करना है आपको स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए साइन ऑन स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वाइट पेपर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको साइन करना है। देख सकते हैं आप अकाउंट क्रिएशन यह ग्रीन टिक लग चुका है, अकाउंट क्रिएट करेंगे और गॉट इट। बस अपना इतना सा ही काम था, काम हो चुका है। और यहाँ से आप UPI ID को क्रिएट कर सकते हैं, नियॉक्स सेविंग अकाउंट्स हैं इसके, आप यहाँ से बेनिफिट्स देख सकते हैं। UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमारे मोबाइल में कोई भी UPI ऐप्स नहीं है, उसके लिए नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ आप अपने UPI ऐप्स के जरिए UPI ID क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद आप इजीली पेमेंट सेंड कर पाएंगे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कर पाएंगे। कार्ड सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके कार्ड की सेटिंग देख सकते हैं। इन्वेस्ट द चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ऐप म्यूचुअल फंड को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करके मनी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप मनी ऐड करना चाहते हैं ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उस डिटेल पर आप क्लिक कर सकते हैं। पेज का आप यहां पर डिटेल फिल कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं सेविंग ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मनी, कार्ड सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। म्यूचुअल फ़ंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसको इसके अंदर हमें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप म्यूचुअल फ़ंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि आप नियॉक्स मनी बेस्ट सेविंग अकाउंट के अंदर अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल को फिलअप करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी बता दूंगा, दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और
अपने अकाउंट को क्रिएट करने के बाद डेबिट कार्ड और फुल केवाईसी के लिए अपॉइंटमेंट को इस प्रकार से आप बुक कर सकते हैं। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।